हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मैंने ये अलग अलग आटे मिलेट्स का आटा मंगाया है। तो मैं अब ठंडी शुरू हुई है, शुरू तो अभी नहीं हुई है, पर बस इसी तरह से मैं अपने सारे वैरायटी के आटे ठंडी में ज़्यादा खाते हैं, बाकी गर्मी में थोड़ी कम खपत होती है। तो ये तो अभी दिवाली है तो थोड़ा सेव वेव भी बनाना है, तो चना दाल का ये पिसा हुआ आटा मंगाया है। ये राजगरा या रामदाने का आटा है तो हलवा बनाएंगे इसका। और ये बाजरे का आटा है, ये मैदा मंगाया है, और ये गुजरात में कृष्ण कमोद चावल की वैरायटी होती है, तो ये जो चावल का महीन बारीक आटा है, तो इससे मैं पापड़ी का लोड बनाती रहती हूँ, और भी काफ़ी पकौड़े या कुछ इस तरह से क्रिस्पीनेस लाने के लिए। इसी के साथ मकाई में देखिए मेरे पास ये सफ़ेद मकाई का आटा है, ये पीले मकाई का भी आटा है, तो दोनों ही वैरायटी रखती हूँ। आज अभी रागी का आटा नहीं आया है। और ये चना दाल का दरदरा आटा, मगज़ मगज़ का आटा, मतलब इसलिए वो मगज़ लिख लेते हैं। तो इससे मैं ढोकले बनाने हो, बेसन के लड्डू बनाने हो, तो बस इंस्टेंट घर में होना चाहिए। और ये ज्वार का आटा, जो महाराष्ट्र में झुणका भाकर का जो भाखरी बनती है, तो ज्वार का आटा, तो ये मतलब ऐसे मिलेट्स के आटे खाने चाहिए, तो इसके अंदर ग्लूटेन कम होता है, वेट रिड्यूस करने के लिए भी बढ़िया रहता है, और तो हेल्दी है ही। तो गेहूं के ऑप्शन में मतलब एक टाइम शाम के टाइम तो ज़रूर बना के खाएं, कोई भी एक टाइम, तो इससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी और बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। तो इस तरह से मेरे सारे वैरायटी के आटे, चलिए अभी फ़िलहाल तो अभी इनको मैं लगा देती हूँ ठिकाने। तो आप भी इसी तरह से सारे तरह के मिलेट्स के आटे खाएं, खिलाएं, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।